हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, और जिसे बनाना बहुत ही इजी है और जब बनकर तैयार होगा तो सभी को पसंद आएगा, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल ली है छिलके वाली फ्रेंड्स, जो मैंने रात में भिगो के तैयार कर ली थी, और ये एक कटोरी के करीब है जो भीग कर काफ़ी सारी हो गई है। और यहाँ पर कुछ चावल थे एक कटोरी के करीब छोटी वाली, तो इसको भी मैंने भिगो के रख दिया था, तो ये भी भीग कर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चावल और दाल से बनने वाला आज ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जो मूंग दाल थी वो भी मैंने छिलके उसके निकाल लिए हैं और सारा पानी निकाल दिया है चावलों का भी। तो दोनों चीज़ें रेडी है फ्रेंड्स, इनको करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा पनीर भी था जो मैंने बनाया था घर पर ही, तो ये होम मेड पनीर है फ्रेंड्स, जो मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया। और देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है, तो इसको भी हम यूज़ में कर लेंगे जब जो भी हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं आज, तो उसमें हम ये पनीर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल के रख लिया है, और इसको हम कद्दूकस भी कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैं इसको थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके रख लूँगी, काफ़ी सारी मात्रा में है पनीर, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, और उसके अंदर मैंने जो दाल भिगो के रखी थी मूँग की छिलके वाली, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसी के अंदर फ्रेंड्स हम चावल भी ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को हमें पीसना है बिल्कुल बारीक। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर दिया है, और फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनेगा। और यहाँ पे कुछ 2 से 3 4 टुकड़े अदरक के थे, और एक हरी मिर्च वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और थोड़ा सा पानी ऐड करा है इसको पीसने के लिए। और इसको हम ढक्कन बंद करके पीस लेंगे अच्छे से, और बीच बीच में हम इसमें थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे फ्रेंड्स, और पानी डालकर इसको एक समोसा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने इसको एक समोसा बैटर बनाकर तैयार कर लिया, और देखिए एकदम चिकना है ये, बिल्कुल भी इसमें वो नहीं है, मतलब जैसे चावलों के दाने होते हैं वो नहीं है, बिल्कुल पिस चुका है अच्छे से। और इसको हम एक बड़े से बर्तन के अंदर निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बड़े से बर्तन के अंदर निकाल के रख लिया है, और फ्रेंड्स इस थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो एक जैसी कंडेंसी है इसकी। और इसमें फ्रेंड्स अब हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भर कर मैंने बेसन ऐड किया है, जिसके जो इसकी जो बाइंडिंग है बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच छोटे वाला भर कर बेसन इसमें ऐड कर दिया है, और ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, तो बहुत ही हेल्दी बनने जा रहा है, जो कि खाने में सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, और ये थोड़ा सा थिक लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, और एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लिया, और इसको खूब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये बैटर तैयार है, और देखिए एकदम चिकना है। और इसमें अब हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी हींग पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च और बारीक धनिया कटा हुआ डाल दिया, और यहाँ पर खीरा और टमाटर है, ये हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम एक थोड़ा सा फेंट लेंगे अच्छे से, ताकि ये एक अच्छे से बैटर बनकर तैयार हो जाए। समोसा तो रेडी है हमारा बैटर। तो अब हमने तवे को फ्लेम पे रख दिया है, मीडियम फ्लेम पे, और इसमें थोड़ा सा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। और इसके अंदर मैंने वो जो बैटर बनाया था उसको मैं अच्छे से फैला दूंगी इस तवे के ऊपर, इस तरीके से फ्रेंड्स, जैसे हम डोसा या चीला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, दाल चावल वैसे तो कोई खाना इतना पसंद नहीं करता, लेकिन जब हम दाल चावल को इस तरीके से बनाकर देंगे बच्चों को, तो बच्चे बहुत ही टेस्ट लेकर खाएंगे, और सभी को अच्छा लगेगा ये खाने में। तो मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल अच्छे से आसपास लगा दिया, ताकि निकलने में आसानी ना रहे, और देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। तो इसको थोड़ा सा और सेकेंगे अभी, ताकि एक साइड से अच्छे से सीख जाएगा, तभी हम इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, एक साइड से जब देख लेंगे हम, जब तक ये सीखेगा नहीं तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं, जब एक साइड से अच्छे से सीख जाएगा तभी हम इसको अच्छे से पलटेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया है, और बहुत ही आसानी से निकल कर ये आ गया है बाहर। तो इसको दोनों साइड से इसी तरीके से सेक लेंगे थोड़ा क्रिस्पी होने तक। जब ये थोड़ा सा क्रिस्पी सीख जाएगा फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे रेड सॉस, इसको टेस्टी और बनाने के लिए, ताकि बच्चे जो है बहुत ही शौक से खाएँ। और इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें सॉस लगा दिया रेड, और इसमें थोड़े से मैंने खीर जो कद्दूकस किया हुआ खीरा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और
आप चाहें तो प्याज भी, अगर आप प्याज खाते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे थोड़े से टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और आप जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कैप्सिकम, कैरेट वगैरह, जो भी आपको पसंद हो। पर मैंने यहाँ पे खीरा, टमाटर और थोड़ा सा जो घर का बनाया हुआ पनीर था वो ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर नमकीन ऐड कर दिया सेव वाली, ये वाली देखिए फ्रेंड्स, जो खाने में और भी टेस्टी लगेगा ये। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से गार्निशिंग कर दिया है, और ऊपर से मैंने डाल दिया है चाट मसाला पाउडर। तो फ्रेंड्स, खीरा, टमाटर और पनीर और थोड़ी सी सेव वाली नमकीन, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और चाट मसाला भी ऐड कर दिया है, और इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। और देखिए कितना अच्छे से सिक्कर तैयार हुआ है, एकदम क्रिस्पी और एकदम लाल सा सिक्कर तैयार हुआ है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ये दाल चावल से बनने वाला नाश्ता। और इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने दूसरा भी बना के तैयार कर लिया था, और उसके ऊपर भी मैंने रेड सॉस वगैरह सब ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मूँग दाल से बनने वाला ये सुपर टेस्टी नाश्ता है, और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स। अगर आप इसके अंदर जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आएगा, और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस वीकेंड पे जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। तो मैंने सोचा आज आपके साथ मॉर्निंग का टाइम था, तो आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की जाए। तो मैंने आज सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यही बनाया था, मूंग दाल का चीला। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको भी गार्निशिंग कर दिया है, और इसको अब मैं दूसरी तरीके से फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप में फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चों ने बड़े चाव से खाया था इसको जब मैंने ये बनाकर तैयार किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये बनकर तैयार हो गया है, और ये भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और एकदम लाल सिका है। तो घर का बनाया हुआ पनीर था, और मूंग दाल और चावल से बनने वाला एक क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता फ्रेंड्स बनकर तैयार है। देखिए अब मैं इसको तवे पे से उतार के रख लेती हूँ, और यहाँ पर बन गया हमारा ये टेस्टी सा नाश्ता। तो इसको मैंने इस राउंड शेप में फोल्ड किया है, और उसको मैंने सिर्फ एक वन साइड से फोल्ड किया था। आपको जिस भी तरीके का पसंद है आप उस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, और देखिए कितना अच्छे से सीख कर तैयार हुआ है एक क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता फ्रेंड्स, जो मैंने बनाया है दाल और चावल की सहायता से फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम था, और मॉर्निंग में मैं सोच रही थी कुछ हेल्दी बनाया जाए, तो मैंने ये वाला ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार किया जो सभी को पसंद आया, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े। तो फ्रेंड्स, आप ही ज़रूर ट्राई कीजिए, और यकीन मानिए सभी को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों स्टाइल से आपको दिखा दिया है कि मैंने किस तरीके से एक वन साइड से भी और राउंड शेप में भी, आपको जिस भी तरीके का पसंद हो आप उस तरीके से बनाकर अपने बच्चों को और बड़ों को दे सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। अगर रेसिपी कहीं से भी अच्छी लग रही हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और देखिए अंदर से कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है इसके अंदर, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।